हेलो एवरीवन, आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा अभिप्सा टीम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, ये जो आर्टिकल है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से है ए, एन एंड द। इसे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ए एन द के यूज़ के बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट करके देखते हैं कि हम आर्टिकल कितना जानते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल है जिसमें ए एन द का यूज़ हुआ है। तो इसमें देखिए, ये आपका सही है, तो आप देख सकते हैं सी इज़ एन यूरोपियन, सही है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा She is a European. I live in the India. ये भी wrong है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी article का use नहीं होगा, I live in India होगा। वैसे ही he was a heir of kingdom, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा an। वैसे ही they live in an UK, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा the या फिर the। We speak the छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सो इस तरह से, अब इसका रीज़न क्या है कि हम कहाँ पे आर्टिकल ए एन द का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, इसे एकदम डिटेल से जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते क्या हैं, उपपद क्या होते हैं। तो उपपद जैसी व्यवस्था किसी भी भाषा में नहीं है, संसार में ढेर सारी भाषाएं हैं, बट ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही है। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश भाषा में। तो देख लेते हैं आर्टिकल का महत्व क्या है। जैसे मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम अ टीचर, यानी मैं एक शिक्षक हूँ। वैसे इंग्लिश में आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूँ। अब देखिए हिंदी में मैं एक शिक्षक हूँ, ये भी सही है, मैं शिक्षक हूँ ये भी सही है। यानी हिंदी में आर्टिकल लगाएं चाहे ना लगाएं वो एकदम करेक्ट होगा, एक बोलो चाहे मत बोलो। लेकिन इंग्लिश में मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ये करेक्ट है, लेकिन आई एम टीचर यदि मैं लिखता हूँ तो अंग्रेजों के हिसाब से अंग्रेजी भाषा में ये गलत होगा, क्योंकि मैं टीचर को गिन सकता हूँ। यदि हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जैसे पेन को गिन सकते हैं, टीचर को गिन सकते हैं, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, घर को गिन सकते हैं, इट मीन्स हमें एक दिखाना ही पड़ेगा, यानी आर्टिकल का यूज़ करना ही पड़ता है जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो सेंटेंस होगा ये गलत होगा। वैसे ही दैट इज़ एन एप्पल, वह एक सेब है, यह एक सेब है या वह एक सेब है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वह हो जाएगा, तो यह एक सेब है या वह एक सेब है, ये सही है। वैसे ही दैट इज एप्पल, यानी वह, ये वह है, तो वह सेब है, ये भी हिंदी में सही है, यानी दोनों सही है, वह एक सेब है, वह सेब है, दोनों सही है। लेकिन इंग्लिश में हम दैट इज एन एप्पल, दैट इज एप्पल, इसमें देखिए ये सही होगा, लेकिन ये वाला अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग गलत होगा। तो एप्पल को हम गिन सकते हैं, सेब को गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें आर्टिकल ए एन का यूज़ करना ही पड़ेगा, ए एन या फिर द का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसका महत्व। वैसे ही दिस इज टी, यह चाय है, दिस इज अ टी, यहाँ पे यह एक चाय है कहा जा रहा है, दिस इज अ कप ऑफ टी, यह एक कप चाय है। तो यहाँ पे देखिए चाय को हम गिन सकते हैं, एक चाय दो चाय नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट होगा, दिस इज अ टी, चाय को हम नहीं गिन सकते, इट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये गलत होगा। दिस इज अ कप ऑफ टी, हम कप में यदि चाय रखी जाती है तो हम उसे गिन सकते हैं, एक कप चाय दो कप चाय, तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही होगा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं, यानी लगाना पड़ेगा। You have time, आपके पास समय है, You have a time, आपके पास एक समय है, एक समय दो समय होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना नहीं जरूरी है, जरूरी नहीं है। You have time ये करेक्ट होगा, लेकिन You have a time ये इनकरेक्ट होगा।
यू हैव अ मिनट, मिनट को गिन सकते हैं, एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट, सो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं, आर्टिकल का महत्व क्या है, कि बिना आर्टिकल लगाने से सेंटेंस गलत हो सकता है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल के काइंड्स कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल के मुख्य रूप से दो काइंड्स होते हैं, वस्तुतः हम कहते हैं ए इन द थ्री टाइप्स ऐसी जनरली, लेकिन मुख्य रूप से जो इसके जो पार्ट्स है वो है दो, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट में आता है ए और एन, और डेफिनिट में आता है द या दी। अब देख लेते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता क्या है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन जो होता है ये वन का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी हम किसी वस्तु या किसी चीज़ को एक ना बोल करके हम ए और एन का यूज़ करते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ हम एक वस्तु के लिए करते हैं, यानी हम जिसे गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन और सिंगुलर रहना चाहिए, यानी एक कोई वस्तु है उसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। द या दी का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, द या दी का यूज़ हम हर एक चीज़ों के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एक वस्तु के साथ, एक से ज़्यादा वस्तु के साथ भी कर सकते हैं। यानी हम जिस वस्तु को गिन सकते हैं, जिस वस्तु को हम नहीं गिन सकते हैं, जो वस्तु एक है, जो वस्तु एक से ज़्यादा है, उसके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इस तरह से समझिए कि द का यूज़ हम हर एक चीज़ों के साथ, यानी कि इनका जो यूज़ होता है वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा है, यानी द का यूज़ एक बड़ी बड़ी चीज़ है। जैसे द अर्थ, द सन, यानी कि देखिए द को हम कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। द को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। तो द कब पढ़ते हैं, द जैसे ये देखिए द सन, द सन, क्योंकि जैसे कि हम व्यंजन उच्चारण करते हैं, यानी कॉन्सनेंट उच्चारण करते हैं, तब हम द उच्चारण करते हैं, या जैसे ये हो गया द सन, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, यानी स्वर उच्चारण, वोवेल उच्चारण, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ, दी अर्थ, द सन, द गंगा, दी इनेमी, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। तो इस तरह से हम द को द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा यहाँ पे द कैट जनरली पढ़ेंगे, लेकिन यदि हमें कैट को ज़्यादा हमें शो करना है, यानी इस पर जोर देना है कैट पे, तो हम यहाँ पे दी भी पढ़ सकते हैं। तो कभी कभार हम किसी को ज़्यादा प्रभावी दिखाने के लिए, जैसे कैट को हम ज़्यादा उजागर करते हैं, तो उस समय हम दी भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से कभी द कभी दी हम पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे हम यूज़ करें इनडेफिनिट आर्टिकल को और कहाँ पे यूज़ करें हम डेफिनिट आर्टिकल को। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, जिसके बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो, इनडेफिनिट हो, उसके साथ हम ए एन का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो तो उसके साथ हम द या फिर दी का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ अ पेन, जैसे मेरे पास एक पेन है, ये नॉर्मल सा पेन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। इसके अलावा मेरे पास एक और पेन है, ये वाला, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, दिस इज़ द पेन, क्योंकि ये डेफिनेट है, मुझे पहले से ज्ञात है इसके बारे में। तो दिस इज़ द पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड, और ये मेरे फ्रेंड के द्वारा मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया गया है। तो इस तरह से हम नॉर्मली किसी चीज़ के साथ जो इनडेफिनिट हो, जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो, जिसके बारे में पहले से कोई वर्णन ना हो, उसके साथ हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन जिसके बारे में पहले से ही डिफाइन किया गया हो, या कोई जानकारी हो, या कुछ कहा गया हो, तो उसके साथ हम द या फिर दी का यूज़ करते हैं। तो आप समझ गए हैं कि कहाँ पे हम ए एन का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम द, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो और देख लेते हैं, दैट इज इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन, दैट इज एन इंग्लिश बुक, दैट इज ब्लैंक
इंग्लिश बुक विच आई बॉट यस्टरडे। जैसे कि देखिए इसके बारे में कुछ कहा गया है, इसके बारे में कुछ वर्णन है यानी डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, दैट इज द इंग्लिश बुक विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही इंग्लिश पुस्तक है जिसे मैंने कल खरीदा। तो इस तरह से हम द या फिर दी यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज इस तरह से करते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज हम नॉर्मली करते हैं। अब हम देख लेते हैं ए एन का यूज हम कहाँ पे करें। तो ए एन का यूज काफी सिंपल है, जो समझने वाली चीज है वो है द के यूज के बारे में। तो ए और एन का यूज जाने से पहले आप इसे देखिए, ये है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये इंग्लिश के वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू और बाकी बी से लेकर के जेड तक ये क्या है, ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजन है। तो इसे आप क्या करिए, इसे आप भूल जाइए, इसे इग्नोर करिए। अब हमें देखना किसे है, हमें जानना किसे है, तो ये है हमारे हिंदी के स्वर और ये है हमारे हिंदी के व्यंजन। अब इसे आप अच्छे से याद रखिए, छोटे आ बड़े आ जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अनार आ आम आ जो भी आप पढ़ते हो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए, ये स्वर है अ से लेकर के अह तक और ये हमारे व्यंजन है क से लेकर के ज्ञानी ज्ञ तक, यानी कि आपको ज्ञानी बनना है। तो इस तरह से इसे आप अच्छे से याद रखिए। अब हम देखते हैं यूज ऑफ ए के बारे में, ए का यूज हम कब करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो ए का यूज व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट उच्चारण से पहले करते हैं, यानी क से लेकर के ज्ञ तक यदि वर्ण आते हैं उच्चारण में प्रोनंसिएशन में तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखिए अ पेंसिल प उच्चारण आ रहा है, अ वन रुपी नोट, अ यूनिवर्सिटी, अ कैप, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड एंड ये वाला एन एमएलए सही है नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। देखिए अ पेंसिल प उच्चारण आया, प क से लेकर के ज्ञ के बीच वाला, तो यहां पे हमने लिखा अ पेंसिल। यहां पे देखिए इसे हम पढ़ते क्या है, अ वन रूपी नोट, व उच्चारण, इसीलिए हम यहां पे आर्टिकल ई का यूज करेंगे। वैसे ही यहां पे देखिए ये इसे हम पढ़ते क्या है, यूनिवर्सिटी, य सिर्फ शुरू अक्षर को आपको देखना है व्यंजन उच्चारण। वैसे यहां पे क अ कैप क का उच्चारण, वैसे यहां पे ब ब्यूटीफुल, यहां पे ब का उच्चारण आ रहा है तो इसलिए हम यहां पे अ का यूज करेंगे। और अ का यूज हम एक वस्तु एक व्यक्ति या एक कोई भी चीज है उसके साथ करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एम एल ए आगे जो भी पढ़िए, तो यहां पे हम ए पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे ए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एन। अब हम देख लेते हैं एन के बारे में, एन का यूज हम कब करते हैं। एन का यूज हम स्वर उच्चारण से पहले यानी वोवेल प्रोनंसिएशन से ठीक पहले यूज करते हैं, यानी कि अ से लेकर के अहा तक उससे ठीक पहले। जैसे यहां पे देखिए एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आवर, एन एक्सरे प्लांट, इस तरह से। और क्या इसके साथ भी करेंगे, नहीं। देखिए यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एन ऑरेंज, यहां पे एन एप्पल, ये आ है ए है, एन एलिफेंट, एन आवर, इसे हमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एज क्या है, एज एक व्यंजन है, लेकिन हम पढ़ते क्या है इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा एन आवर, यहां पर हम एक्स को देखेंगे तो एक्स क्या है, ये व्यंजन है, लेकिन हमें पढ़ते कैसे है इसे देखना है। यहाँ पे हम कैसे पढ़ रहे हैं, एक्सरे ए ए, वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये ई लिखा यानी स्वर है, लेकिन यहाँ पे स्वर के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे हम पढ़ते क्या है इसे देखना है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन, य से प्रोनंसिएशन, य प्रोनंसिएशन, इट मीन्स इससे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अ, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है यूरोपियन, तो अ यूरोपियन होगा, एन यूरोपियन नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, य से, य मींस व्यंजन। तो हमेशा याद रखिए कि आपको प्रोनंसिएशन याद रखना है कि हम हिंदी के अकॉर्डिंग
यदि स्वर प्रोनाउंसिएशन उच्चारित करते हैं, इट मींस स्वर से पहले एन और व्यंजन से पहले ए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, क्योंकि इसका यूज बहुत ही लंबा है। तो द का यूज कब करते हैं? द का यूज किसी विशेष, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान से ठीक पहले किया जाता है, या फिर ऐसी वस्तु जिसके बारे में पहले से जानकारी हो या जिसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई हो, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम वहां पे करते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए, द प्रेसिडेंट, द अर्थ हो गया, द रामायण, द ताजमहल, द सन, द बे ऑफ बंगाल, द गंगा, इस तरह से हम जो है द या फिर दी का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि द का यूज हम कहाँ पे, किस किस जगह पे कर सकते हैं। तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे पहले हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं या फिर डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उनसे ठीक पहले हम द या फिर दी का यूज करते हैं। जैसे द नोज हो गया, द आई, द लेग, द हैंड, वैसे ही द ईस्ट दिशा है, द वेस्ट, द वेस्ट, उसके बाद द नॉर्थ, द साउथ, ये द का यूज। तो ये बॉडी पार्ट्स एंड जो डायरेक्शन है उनसे ठीक पहले हम द या फिर दी का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं बिफोर द पोस्ट, ऐसे पोस्ट किसी पद प्रतिष्ठा से ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एक पद है, द एसपी, द एसपी, या द प्राइम मिनिस्टर, द पोस्टमैन, द चेयरमैन, ये पद के नाम के पहले। इसके अलावा बिफोर यूनिक एंड फेमस थिंग्स, ऐसे चीज़ें जो यूनिक हो, यानी संसार में कोई एक हो या कोई प्रसिद्ध चीज़ें हैं, फेमस है, उससे ठीक पहले। जैसे यूनिक में जैसे प्लैनेट है और नक्षत्र है, स्टार है, तारे हैं, उसे ठीक पहले हम क्या यूज़ करते हैं? द या दी का यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द अश्विनी, द सन, तो अश्विनी क्या है? नक्षत्र है, स्टार, द सन हो गया, ऐसे। और बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव एंड नंबर्स, ऑर्डिनल क्रम में जो जैसे एडजेक्टिव है, विशेषण है या नंबर्स है, उससे ठीक पहले। जैसे द नेक्स्ट ट्रेन, द फर्स्ट टीचर ऑफ स्कूल हो गया, द फोर्थ फ्लावर, द थर्ड बुक, ये इनसे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। वैसे ही द लास्ट चैप्टर, द सेकेंड ओकेजन, द फर्स्ट टाइम, इससे ठीक पहले हम जो है द या दी का यूज करते हैं। और कब करते हैं? आफ्टर, कुछ चीजें हैं जिसके बाद में हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे सम ऑफ द बॉयज आर टायर्ड, सम ऑफ द, नन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, हाफ ऑफ द, ईदर ऑफ द, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा। और बिफोर रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, फैमिली और पीपल, ऐसी कई चीजें हैं। जैसे रिलीजन है, धर्म है, जाति है, धर्म, जाति, कैटेगरी है, और फैमिली, लोगों की फैमिली है, तो उन फैमिली के नाम के पहले भी हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, धर्म से पहले, द साहू, द निषाद, द वर्मा, यानी जाति से पहले, वैसे द यंग, द ओल्ड, द रिच, द पुअर, कैटेगरी, वैसे ही द शाही, द जायसवाल, द राठौर, द सोनी, ये परिवार के नाम, फैमिली के नाम, उनसे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। बिफोर रिवर, सी, ओशियन, बे, जैसे रिवर है, सी है, ओशन है, बे है, खाड़ी है, उनसे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे द खारून, द गंगा, द यमुना, द शिवनाथ, नदी के नाम के पहले, द रेड सी, द हिंद ओशियन, द अटलांटिक, द पैसिफिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक, ये हो गया ओशन से ठीक पहले, खाड़ी से पहले, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ जिनेवा, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, इनसे पहले, खाड़ी से पहले, सागर, महासागर, नदी है, उनसे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द या दी का यूज करते हैं। जैसे द बिगेस्ट, द टैलेस्ट, बिगेस्ट सबसे बड़ा, टैलेस्ट सबसे लंबा, वैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट स्टूडेंट, द हाइएस्ट, तो ये सुपरलेटिव जितने भी डिग्री है उनसे ठीक पहले हम द या दी का यूज करते हैं। और कब करते हैं? ओनली, रिलीजियस एंड होली बुक्स, फेमस थिंग्स, ऐसे वर्ड्स जैसे ओनली हो गया, और जैसे रिलीजियस है या होली बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, पवित्र ग्रंथ है या फेमस चीज़ें हैं, उनसे पहले हम द या दी का यूज करते हैं।
जैसे द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली मैन, वैसे ही जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, वैसे ही द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द इंडियन गेट, इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों से पहले हम द या दी का यूज़ करते हैं। और अब देखते हैं वे आर नॉट टू यूज़ द, हम आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, यानी द का यूज़ हम कहाँ पे नहीं करते हैं। तो कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें द या द का यूज़, द या दी का यूज़ करना वर्जित होता है। जैसे नेम ऑफ कंट्री, हम देश के नाम के पहले द या दी का यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि हमने सबसे शुरू में एक्सरसाइज में देखा था। तो यहाँ पे देखिए दी इंडिया लिखा है, द जापान, द इंग्लैंड, द यूएसए, द यूके। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये गलत होगा। तो यहाँ पे हम, ये इंडिया एक देश है, तो द इंडिया या दी इंडिया हम नहीं कहेंगे, द जापान नहीं कहेंगे, द इंग्लैंड नहीं कहेंगे, लेकिन द यूएसए कहेंगे, द यूके कहेंगे, क्योंकि ये एक देश का नाम नहीं है, ये देश के समूह है। तो देश के समूहों के नाम के पहले हम द या दी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई देश का नाम है, एक ही देश का नाम है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ स्टेट, सिटी, पर्सन, विलेज, स्ट्रीट, रोड, ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे स्टेट हो गया, सिटी है, या कोई पर्सन है, व्यक्ति है, गाँव है, गली है, रोड है, उनसे पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते। जैसे द छत्तीसगढ़ हम नहीं कहेंगे, ये गलत होगा, द बिहार नहीं कहेंगे, द गुजरात नहीं कहेंगे, द राजू यानी किसी व्यक्ति के नाम में हम द राजू ऐसा नहीं कहेंगे, द मोहन नहीं कहेंगे, द सोहन नहीं कहेंगे, वैसे ही द रायपुर नहीं कहेंगे, रायपुर एक शहर है, वैसे ही द दुर्ग नहीं कहेंगे, द मुंबई हम नहीं कहेंगे, क्योंकि शहर के नाम के पहले, राज्य के नाम के पहले, व्यक्ति के नाम के पहले, स्ट्रीट हो गया, गली है, रोड है, उनके नाम के पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते। और कहाँ नहीं करते, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो द हिंदी, द इंग्लिश, द छत्तीसगढ़ी, द बिहारी ऐसा नहीं कहेंगे। तो जितनी भी भाषाएं हैं उसे ठीक पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे द हिंदी, द संस्कृत, द दी इंग्लिश, द मराठी ऐसा हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इनसे पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करेंगे। और कब नहीं करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज, जितनी भी बीमारी है, डिसीज है, उनसे पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द मलेरिया, द निमोनिया हम नहीं कहेंगे, सिर्फ मलेरिया कहेंगे, सिर्फ निमोनिया कहेंगे। और बिफोर सम वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे, लंच है, डिनर है, स्नैक्स है, इनसे पहले हम द या दी का यूज़ नहीं करते हैं। आप कहते हो क्या कि मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक द ब्रेकफास्ट, नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ कहते हैं आई टेक या आई हैव ब्रेकफास्ट। अब आपने आर्टिकल ए एन द के बारे में जान लिया है, अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें हम देखेंगे कि हमने कितनी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए, मिस्टर घनश्याम इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑनरेबल मैन ऑफ आवर टाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ऑनरेबल मैन। वैसे मोहन इज, यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है, ओनली सन ऑफ मिस्टर वर्मा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दी ओनली सन ऑफ मिस्टर वर्मा। आई प्लग्ड फ्लावर यस्टरडे, फ्लावर इज स्टील फ्रेज, आई प्लग्ड अ फ्लावर यस्टरडे एंड यहाँ पे आ जाएगा द फ्लावर इज स्टील फ्रेज। ब्लैंक यहाँ पे है, दिस इज ब्लैंक काउ विच आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज द काउ विच आई बॉट यस्टरडे। वैसे दे हैव लॉज्ड एन एफ आई आर, वैसे ही सी हैज ब्लैंक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हैज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे ही हिज ग्रैंडफादर इज ब्लैंक ओल्ड मैन, तो हिज ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन। वैसे हिज फादर इज अ यंग मैन। डू यू हैव ब्लैंक यूनिफॉर्म कोड, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपके लिए एक होम टास्क है, होमवर्क है, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी यकीन हो कि आपने आज के आर्टिकल को बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से समझे हो। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और
हमेशा पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।